क्या पढ़ाई की साइकोलॉजी से पढ़ाई की मनोविज्ञान साइकोलॉजी से, मनो से, से अपने से पढ़ते थे लाल बत्ती पे पर पर के हम इंटर पास किए बी एम ए पास किए कहीं मेरा जॉब हो जाएगा इज्जत की रोटी कम खाएंगे नहीं हुआ मेरा कुछ नहीं हुआ अगर बच्चा विकलांग भी, भी पैदा ले तो उसको लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग को नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं पापी पेट का सवाल ये है जो आपको पेट जलेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं कहेगा खोजवा है छकबा है देखो रात भर धंधा करके आया अब करने का कुछ से कुछ कमेंट यही होता है और क्या आप नजर का ऑपरेशन करवा सकते हो नजर ये सकते हो आपका क्या पैर नहीं है नहीं हमारे पैर नहीं है तो ये देखिए पैर नहीं है दोनों ही पैर दोनों पैरों से आप हैं समाज का रिवाज है कि मर्द औरत ही इस दुनिया में रह सकता है लल्न टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय आईटीसी सनराइज मसाले स्वाद बिहार का नमस्ते सोनल नाम है मेरा हम लोकसभा चुनाव कवर करने के लिए निकले हैं बिहार ललिन टॉप की यात्रा पहुंची है और हम बिहार के समस्तीपुर में है जब हम समस्तीपुर आए तो यहाँ जो रेलवे का पुल पड़ता है उसके बगल में ही ऐसे डेरे बने हुए कच्चे मकान बने हुए हैं कुछ पक्के भी है यहाँ पर किन्नर समुदाय के लोग रहते हैं तो हमने सोचा कि जब वोट ये भी देते हैं मुद्दे इनके भी हैं समस्याएँ इनकी भी है तो जब हम देश में हर वर्ग के लोगों के पास जा रहे हैं हर तबके के लोगों से बात कर रहे हैं उनके चुनावी मुद्दे समझ रहे हैं तो ज़रा किन्नरों से भी बात की जाए समझा जाए कि वो इस चुनाव में किस आधार पर वोट डालने वाले हैं उनके जीवन की समस्याएँ क्या हैं और वो अपनी रोज़मर्रा जिंदगी में कैसे घर चलाते हैं क्या सोचते हैं देश और समाज के बारे में क्या आप इन सबके गुरु हैं ना नाम? मेरा नाम सपना किन्नर गुरु पिता मुन्ना किन्नर का चेला मेरे गुरु स्वर्गवास हो गए तो उस समय से हम सबके ले कर चलते हैं मेरे गुरु मरने वाले नहीं थे मैने ज़्यादा एजट नहीं थे कम उम्र था और हम चाहे नहीं जो हम इस कुर्सी पर बैठे लेकिन हालात के मारे हमको यहाँ का मैंने किन्नर समाज का समाज भी और किन्नर भी बोला कि नहीं यही मैंने लायक है तब तो हमारे यहाँ बैठाया गया यहाँ पर सबको ले हम चलते हैं और मेरा चेला भी है सब है मेरा गुरु भाई भी है और अच्छे तरीक़ा से अपना जजमान में मांगते खाते हैं जजमान भी हमारा समस्तीपुर का जनता बहुत प्यार करते हैं और उनसे शादी हुआ जनऊ हुआ घर मकान कोई बना बच्चे उच्चे हुआ उसमें हम लोग जाते हैं पाँच हज़ार चार हज़ार दो हज़ार जिसको जो बनता है हम लोग दे देते हैं हम लोग जितना किन्नर है समस्तीपुर ज़िला में वही हम समस्तीपुर जिला का हम किन्नर समाज का मैंने हेड जो कहता है जो गार्जियन कहता है वो गार्जियन टाइप का हम है और सबको अपना कपड़ा लत्ता उसी में खाना पीना बिजली बिल दुनिया संसार जो भी अपना लैब के लिए जो भी है सनूर टिकली जो भी अपना है सब हम लोग उसी में हम हम लोग अपना मिल कर अपना खाते कमाते हैं मेरा जजमान मेरा वही मेरा माई है वही मेरा बाप है वही मेरा दाता है वही मेरा भगवान में उसी पर जीते हैं और मेरा कोई सरकार से कोई लाभ नहीं कुछ नहीं आज तक ले इतना हुआ पहले तो और ख़राब था थोड़ा इधर तो थोड़ा स्थिति मोदी सरकार जिस दिन से बने तो थोड़ा रोड उड बिजली बत्ती थोड़ा तो आप देख रहे हैं पहले तो कुछ इतना हाईलाइट था नहीं पहले तो और था गरीबी था लेकिन गरीबी में भी पहले मज़ा था पहले घर में अपना क्या कहता अपना उपजाना अपना अब खाद केमिकल पर है दाल केमिकल पर है चावल केमिकल पर है सारे चीज़ पानी भी देखो वो क्या नाम है वो आयरन काट का पानी भी सब तो सारा आर्टिफिशियल जमाने हो गया आर्टिफिशियल जमाने पर आएंगे पहले तो अभी आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी आपने इनको गुरु भाई बताया और हाँ। बाकी सबको चेला बताया तो जो हाँ। आप आपके जूनियर आपसे कम होते हैं उम्र में वो चेला होते हैं और जो आपके बराबर के होते हैं वो वो गुरु भाई होते हैं हमारे देखो उम्र नहीं देखा जाता हाँ। उम्र भी ज़्यादा रहे चाहे कम रहे हाँ। जो जैसे अभी सरकार जैसे कुर्सी मिल जाती है तो उनके पूरी जनता प्यार करते हैं तो उसी तरह हमारे गुरु जी जो होनहार जो रहते हैं जो चलाने वाला देखने सीखने वाला वही बड़ा हो समझो आ चाहे एजेट नहीं देखा जाता हम लोग में अब हमारे एज, एज में ये बड़े हैं हाँ। इनका पचास साठ मैंने उम्र है हाँ। हमारा चालीस पैंतालीस है हाँ। लेकिन हमसे ये मने क्या कहता है पद होता है हम लोग को हाँ। जैसे मैंने सितारा जैसे होता है हाँ, हाँ. तो पद के जैसे हम लोग मैंने हम सबसे सीनियर हुए हाँ. तो हमारे से फिर ये जूनियर हुआ हुँ. फिर इनसे मेरे बच्चे लोग हुआ जैसे द, एस पी हुए जैसे ये इंस्पेक्टर हुए जैसे वो ऐसे हमारे छोटे बड़े सब मैंने ऐसा ही होता है उम्र नहीं देखा जाता हमारे सौ भी बड़ा अति पचास साठ बरस के भी वो अभी चेले होंगे और हमारे जो पद पर होंगे वो भी गुरु भी होंगे दादी भी होते हैं अच्छा। ऐसे हम लोग को तो ये ये जैसे वो हुए तो आप इनको गुरु भाई बता रहे हैं हाँ तो हमारे गुरु जी का चार चेले हाँ। जैसे दुनियादारी होता है ना चार हाँ, बेटे एक माँ का हाँ। एक बाप का चार बेटे ऐसे हमारे चार चेले हैं एक का नाम है ए, मेरा सपना नाम है बड़ी है इसका पूनम नाम है मेरे बाद है एक का आरती नाम है उस पार में रहती है एक सुपौल बिरोल में रहती है तो हम लोग यही जजबान मांग करके चार गुरु भाई है चार का जितने चेले चपाटी है अपना सब वो सब ढोलक वाले है पेटी वाले वो तो दुनियादार ए, क्या नाम दुनियादारी बात है ढोलक पेटी वाले तो अपना मजदूरी लेते जाते हैं कि जैसे संसार होते है उसे हमारे किन्नरों का संसार होते साधु का मठ होते हैं तब इनके ऊपर हम है हमारे ऊपर ये चेले है ये सब है ये सब है सब ऐसे पर हम लोग का चलता है अच्छा। तो आप अभी बता रहे थे कि आप लोग शादी में लगन में बधाई लेने के लिए जाते हैं तो आप लोग का घर ये बधाई लेकर ही चलता है जैसे हम देखते हैं किन्नर कई बार हमको ट्रेन में भी दिखते हैं या रेलवे स्टेशन पर दिखते हैं या चौक चौराहे चो पर शहर में दिखते हैं तो वो वहाँ पर मांगने का काम आप नहीं करते हैं। आप बस बधाई लेते हैं हमारे समझते हम लोग ट्रेन मांगने वाले नहीं है हम लोग बधाई मांगते हैं शादी ब्याह में जाते हैं और वो लोग भी ट्रेन में भी जाते हैं तो उनके पास भी मजबूरी है सरकार अगर देखो अगर उनके अगर कोई तरह का काम दे दें तो क्या जरूरी है जाने का ट्रेन में देखो सबसे बड़ा है पेट पेट पापी है पापी पेट का सवाल ये है जो आपको पेट जलो जलेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं बुरा नहीं मानना गंदा काम भी कर सकते हैं पेट के लिए और मांग भी सकते हैं और कितना तक क्रिमिनल भी हो जाते हैं पेट के लिए पेट ऐसा चीज़ है जो लोग को पेट भरने के लिए कुछ भी कर जरूरत का सामान अब हमको तन पर कपना नहीं रहेगा तो हम तो क्या करेंगे पेट के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा ना तो यही सब बात है और सरकार हम लोग का जितने किन्नर है चाहे ट्रेन बस चाहे जो भी है चाहे बधाई वाले हैं अगर उनको सुविधा दे और कोई चीज़ का तो फिर क्या है सर लेकिन एक बात और है ये मेरा सतजुग का गुरु दाद गुरु का परंपरा है हम लोग ये ये जो है परंपरा कोई नहीं मिटा सकता है समझे जैसे परंपरा छठ हुआ दुर्गा पूजा हुआ काली पूजा हुआ ये परंपरा मिटेगा तो फिर धरती ही नहीं रहेगा परंपरा हम, हम लोग का है मांग का खाने का ये गधिपति हम लोग का गुरु दाद गुरु जैसे राम भगवान चौदह वर्ष वनवास हुए थे आ, आ, तो वनवास तो हुए ना थे ना। तो नर नारी औरत मर्द सब उनके पीछे पीछे जाने लगे आ जाने के बाद बोले जो प्रभु बोले कि जे जितना औरत मर्द मने नर नारी सभी वापस हो जाओ तो वो किन्नर न औरत थे न मर्द थे बीचे में थे वो बोले कि हमको तो प्रभु बोलबे नहीं किए चौदह वर्ष वो भी इंतजार में उनको रह गया रहने का मतलब जो आप उधर से वापस आए भगवान तो हे राम हे राम उसको जट्टा उट्टा दारी मो सब हो गया तो बोला ये घना जंगल में कौन हे राम कह रहा है तो ये प्रभु जी बोला जे प्रगट हो जा को सत्युग का जवाना का एक रामायण किताब में सब में लिखा हुआ आप देख सकते हैं उन टाके के तो उसने बोला गया था जी कौन है तुम घनी जंगल में प्रगट हो जा तब कौल जोड़ के हमारे किन्नर सत्युग का ज़माने में खड़ा हो गए थे अब बोले कि जी क्या है तुम कौन है तब तो बोले कि प्रभु नर नारी आप बोले थे वापस हो जा हम ना नर थे नारी थे आपके इंतजार बोला कि जा तुम इतना बड़ा तुम तप किया मेरे लिए जाओ तुम विश्व में तुम्हारा कभी दाल रोटी का कमी नहीं तु, दिल तुम्हारे दर जिसके दरवाजे जाओगे ना जो तुम दिल से बोलोगे तुम्हारे दाल रोटी मिलेगा कभी तुमको कमी नहीं मिल जब तक ये धरती रहेगा तब तो, तो यही मेरा गदी पति है मांग का खाने का और कितना अपना गलत करता है तो अपना लिए करता है जो गलत करेगा अपना यही भोग कर जाएगा अच्छा करेगा तो अच्छा कर्म करना गुरु बिना गुरु ज्ञान का हमें पाऊँ दीजिए ज्ञान अति सुख पाऊँ तो ज्ञान अच्छा गुरु मिलेगा तो अच्छा करेगा जो गुरु मिलेगा घटिया तो घटिया वाला काम करता घटिया काम उसके साथ जाएगा अच्छा करेगा अच्छा साथ जाएगा उसको यही बात है और ये आगे अपना मेरे चेले से पूछो उनसे भी पूछेंगे पहले आप इतनी अच्छी बातें कर रही है आप पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए आप रहने वाले कहा के आपको कब पता चला या ऐसे एहसास होता है ना कि कब आपको एहसास हुआ कि आप किन्नर हैं फिर आप अपने गुरु के पास कैसे पहुंचे थोड़ा अपनी कहानी बताइए देखो मेरा तो क्या कहता है कि जब हम अपना बचपन में रामलीला में चले गए थे रामलीला में पेट के वजह से अपना रामलीला में गए रामलीला में जाने का मतलब उसमें जो भी होता है राम हो लक्ष्मण हो सीता हो उसमें बने बनते बनते मैं दिल्ली में गए दिल्ली में बिहार के रहने हाँ दिल्ली तो दिल्ली में मेरा गुरु मिला किन्नर के घर में बोला तुम कहाँ का बच्चा मैं बोले माँ जी उधरे का हम भी हैं तो बोला कि चलो हमारे साथ रहना तो फिर आके यहाँ अपना गुरु जी के साथ रहने लगे उसी राम में रंगा गए मांगने खाने लगे आप कितने साल से समस्तीपुर में हम तीस बरस से हैं समस्तीपुर में ऐसे पाँच साल में वहाँ रहें गोरखपुर में दिल्ली में इस सब में रामलीला कर कर के मैं रामलीला मैदान में रामलीला का अपना उस समय अपना 500-700 मिल जाता था, था पेट पालने के लिए क्या उम्र रही होगी आपकी उस जब मैं आप... बारह तेरह साल था बुझने वाले समझने वाले थे हाँ तो उधर आपको, आपको आपके जैसे बारह तेरह साल की उम्र में आप गए लेकिन उसके पहले का कुछ याद है कि आपके घर पे कौन कौन पहले क्या सब बिना बिना माँ बाप को बच्चा पैदा होता है लेकिन हमने गांव में नहीं गए दोबारा फिर मैं बोले तो क्या जरूरी है अपना लाइफ अपना गांव में किन्नर लोग का चाहे किन्नर हो चाहे नचनिया हो चाहे जो भी हीन भावना से देखता है हम लोग का जैसे इंसान का है फलाना का बेटा ये है ठिकनवा हो गया इजरा हो गया मोगा हो गया तो ये सब ले लोग हम लोग अपना जय तय अपना कमा कर खा कर अपना तो जब आप ऐसे छोटे थे दस बारह साल के तब भी आपको बोला गया था आपको याद है हाँ तब बोला जाता है कि हाँ हर जगह बोलाता है हमको क्या हर जगह बोलता है जे ऐसे फलान का बेटा मोगा हो गया ये हो गया हो गया हम लोग अपना लाइफ चेंज करके अपना कमा खा रहे हैं दाल रोटी पेट अपना पर कभी घर की याद नहीं आती आता नहीं है कौन इंसा इंसान नहीं आता लेकिन हमको जहाँ पेट भरता है जहाँ लोग का पेट भरता है वहीं घर वहीं मकान लोग तो दिल्ली से जा यहाँ से बिहार से जाके दिल्ली में मकान बना लिया दाल रोटी चलता है तो वहीं बना लिया अब वहाँ से आके कुछ लोग यहाँ भी है दाल रोटी उसका चला वहीं घर वहीं मकान हो गया तो यही तरह हम लोग का जहाँ पेट भरता वही घर वही मकान हो गया अब यहाँ पेट नहीं भरेगा दिल्ली चले जाएंगे दिल्ली पेट भरेगा दिल्ली में रहने लगे दिल्ली नहीं पेटेगा कहीं और रहने लगे जहाँ पेट भरेगा वही घर वही मकान है हम लोग का वो क्यों रो रही है ऐसे रो रही है टेन चिंता से रो रही है। क्या क्या? क्या बताओ। क्यों रो रही हो कि जिंदगी हम लोगों की क्या है क्या अगर अच्छे लोग रहते हैं कहीं भी काम धंधा करके खा लेते हैं ये कर लेते हैं क्या बोलते हैं कोई मजदूरी भी कर लेते हैं हम लोगों को भी हम लोग इधर हम लोगों को ज़िंदगी पहले तो हम लोगों को वोट देने का भी अधिकार नहीं था और ना हमको नर में गिनती था ना मादा में गिनती था बहन अब कुछ दिन से समय बदला लोग बदले तो हम लोगों को थोड़ा ये क्या बोलता है थोड़ा कुछ बहुत आरक्षण मिला हुआ है तो हम लोग तो नहीं पढ़े लिखे उतना ना कोई डिग्री है हम लोगों का और अब जो जनरेशन आएगा थोड़ा बहुत बाल बच्चा लोग तो उन लोगों को हम लोग क्या करेंगे पढ़ाएंगे लिखाएंगे नौकरी इस भी बनाएंगे कि आगे उन लोगों को दिक्कत ना आपका हो. क्या नाम है सुमन नाम है सुमन आप आपके गुरु गुरु माँ है गुरु ये जी अच्छा सुमन आपका आपको याद है आपका बाय अपने गुरु माँ के पास या कैसे यहाँ पर भेंट हुआ आप यहाँ कैसे पहुँचे इस डेरे पर हमें लोग छोटे थे ना ही आए थे तो आप कहाँ के रहने वाले हम तो बिहार में ही हैं है इधर हाँ, का लोकल हम लोग बिहार में ही रहते हैं बिहार के ही लेकिन ही जिला घर गांव कुछ नहीं याद है मालूम भी रहता है तो हम लोग क्या जाएंगे उस गांव में जाने का क्या फायदा क्या उम्र रही होगी आपकी जगह देखिए कहने का मतलब है की समाज सबसे बड़ी बात समाज होती है आजकल कोई लड़की गलत कदम उठा ले किसी के साथ भाग जाए तो उसके घर में क्या करता है बड़े बड़े पंचायत होती है उसके बाद क्या कहते है उसके माँ बाप का हो पानी बंद कर दो वो गलत निकल गई है उसको नहीं घर में टप इसी तरह का समाज का रिवाज है कि मर्द औरत ही इस दुनिया में रह सकता है अगर बच्चा विकलांग भी, भी पैदा ले तो उसको लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग को नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं क्योंकि हम लोग नर होते हैं ना, नारी होते हैं और क्या हो जाते हैं लोग कोई कहेगा मोगा है, है, है तो कोई कहेगा खोजवा है तो कोई कहेगा छकवा है तब गाँव में घर से निकलेंगे तो सब ताली बजाएगा सीटी मारेगा मतलब बहुत कमेंट भी करेगा हे देखो हो उनका बेटा हो को लड़का बा उनका बेटा भोल हो तो खूब पार्टी करते कर ले हो मतलब भोजपुरी में कहता है कि जब बाल बच्चा होता है तो पार्टी किया होता पार। किया होगा थाली बजाया होगा देखो ये तो हिजरा हो गया है हिजरा को कौन रखेगा गांव में यही सब बात है इसीलिए तो गांव के डर के मारे अब उसके उसके आगे पीछे अगर मेरी छोटी बहन है चाहे मेरी बड़ी बहन है तो उसका शादी नहीं होगा है उसके घर में हिजरा है उसके घर में शादी नहीं करेंगे ऐसा समाज सोचता है तो इसी के डर के मारे माँ बाप अपना माँ बाप किसी का अपना माँ बाप नहीं चाहता है कि बाल बच्चा उसका ख़राब हो चाहे मेरे घर से जुदा हो बाकी डर के मारे लोग कहीं अनाथ आश्रम कैसे डाल देता है उसी तरह के कोई किसी को बहका दिया तो कोई किसी के यहाँ आया किसी के यहाँ छोड़ दिया नहीं तो उसको इतना टॉर्चर किया घर में ही बड़े बुजुर्ग लोग वो खुद ब खुद घर छोड़ के भाग जाता है लोग सम्झे? आपको याद है आपका क्या उम्र रहा था जब आप अपने घर को छोड़ दिए थे मेरा दस बारह साल उम्र होगा हम लोग भी छोटे ही उम्र में हाँ। थे तो, तो आपको कुछ याद है मतलब क्या ऐसा आपने भेदभाव महसूस किया या क्या आपने अलग महसूस किया कि मारपीट होता था मेरे भाई एक थे वो हमको बहुत मार मारते थे तो हम लोग चलता हम लोग छोड़ देख छोड़ के तो आपके माता पिता उनको नहीं रोकते थे वो जो मारते बाप शराबी था और माँ थी तो माँ का माँ रोकेगी नहीं ही माँ के लिए तो कसाई भी बेटा होता है तो भी माँ के लिए माँ ही बेटा ही होता है चाहे वो कसाई क्यों ना हो माँ के कले कहानी भी है कि माँ का कलेजा निकाल लेता है फिर भी माँ अगर गिर जाता है तो माँ का उसका कलेजा बोलता है कि बेटा तुमको कहीं दर्द तो नहीं होगा तो माँ माँ ही होती है सब बोलता था मार तो माँ रोज मारता था फिर उस समय उतना कानून भी नहीं था हम लोगों के लिए बनाना कि हम लोग कोई एक्शन ले चाहे कुछ करे ये 2014 से सुने हैं कि हम लोगों के लिए एक्शन लिया गया हम लोगों के लिए कानून बना सरकार कुछ अच्छे काम कर रही है यही सब दीदी ठीक है हम आपसे और बात करेंगे पहले बाकी सबसे एक एक बार बात कर ले उनका जीवन जान ले आपका क्या नाम है मेरा नाम है फूलो किन्नर फूलो फूलो किन्नर अच्छा कैमरा घूम कर आपकी तरफ आ रहा है आप, आप भी क्या ऐसे इनके गुरु माँ वाले दोस्त क्या बता गुरु भाई है या फिर आप इनके चेले दोनों मेरे गुरु लगेगी ये दोनों आपके गुरु हैं आप इनके चेले हैं अच्छा आप कब से इनके साथ जुड़े हैं हैं मतलब बचपन बचपन से से इनके साथ हम शुरू से हम दरभंगा में रहे उसके बाद जब मेरा अकील बुद्धि हुआ ज्ञान हुआ तो उसके साथ इसी के साथ रहे नाच बाजा में जाते थे नाच गाना करने के लिए नाच गाना अब खत्म हो गया बिहार में नहीं होता अब नाच गाना जी के साथ बधाई मांगते हैं दूसरा चार सौ हिस्सा होता कमाते खाते हैं फिर रहते यहीं भी मन होता है यहाँ भी रहते मन होता है मेरा दरभंगा में डेरा है भी भी जाते रहते रह तो आप दरभंगा से आना जाना ना नहीं मन होता है यहाँ भी रह जाते कभी वहाँ भी जाते मन कभी याद पड़ा घर का जाते नहीं जाते आप आप ऐसे आपका जो माता पिता का घर था वो भी दरभंगा में ही था हाँ दरभंगा में था मेरी गुरु थी ना पायल किनार्छा हाँ। वो मर गई। अच्छा वो दरभंगा से थी। हाँ तो दिल्ली का हिजरा आ गया मेरा घर डेरा मकान सब कब्जा कर लिया दरभंगा में मुन्नी किन्नर तो मारपीट के हमको वहाँ कमाने खाने नहीं दी तो उसके बाद इसका हम चेला बन गए तो इसका चेला बन गए तो इसके यहाँ दो सौ चार सौ मिलता है इसी के यहाँ कमाते खाते इसी के पास रहते हैं मेरी गुरु थी ना दरभंगा में पायल किनार उष सागर था इस्टेशन के बल कटरिया मोहल्ला में तो हम उसी का तो मेरा दरभंगा पूरा इलाका होता वो मेरा कमाने खाने का वहाँ जरिया था लेकिन दरभंगा में एक दिल्ली का किनार आ गया हाँ और वो हमको खाना ख़राब कर दिया हमको अकेले पड़ गए हमको ना मेरा गुरु मरिए गए मेरे पीठ पर कोई नहीं था हम वहाँ हमको मजबूरी दुख हुआ नहीं कमाए रोजी था तब तक इसके पास चला है तो का कमा खा रहे अच्छा है और जो समस्या ये बोली है ना ऐसा ही प्रॉब्लम समस्या मेरे साथ भी है किन्नर समाज में सबको घर का जो घर में प्रॉब्लम इन लोग के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हुआ ऐसा ही हुआ जो ये बोली है सपना जी समस्तीपुर के हेड ब्रांच मालिक है पूरे समस्तीपुर जिला समस्तीपुर मुजफ्फरपुर सब तीनों जिला के मालिक है जो इनके साथ बचपन में प्रॉब्लम हुआ समस्या हुआ वही समस्या मेरे पास भी है अभी इसी के पास हम रह रहे कमा रहे हैं खा रहे हैं जी रहे हैं तो आप आप तो ये बता रहे थे कहा का भी यूनिवर्सिटी मिथिला यूनिवर्सिटी है वहाँ हम गाड़ी में मांगू के पैसा दस रुपया पाँच रूपया मांग के अब जबिल हुआ तो अपने से पढ़ाई आप साइकोलॉजी से पढ़ाई की मनोविज्ञान साइकोलॉजी से मेरा बचपन से शौक था बहुत पढ़ना लिखना पढ़ लिख के बड़ा अफसर बनना पढ़ लिख के हम ये वाला काम नहीं करें हम पढ़ लिख के हम कोई अच्छा जॉब करें नौकरी करें मेरा अपना अंदर से अपना मेरा सोच था मेरा इच्छा था कथा ना तुम्हारा क्या एटीट्यूड है तो मेरा एटीट्यूड था कि हम खूब मेहनत से पढ़ाई लिखाई करके किन्नर तो क्या हुआ किन्नरे में अपना पढ़ लिख के कोई अच्छा अफसर बन जाए सो मेरा समाज में इज्जत हो प्रतिष्ठा हो मेरा मान हो मेरा सम्मान हो लेकिन ऐसा नहीं हो पाया उस समय ना कोई आरक्षण था, था ना कुछ था तो आपने साइकोलॉजी में बैचलर करा ना है ना मास्टर, ना करा करा ना करा मास्टर करा है मास्टर ऑफ आर्ट की डिग्री किए हुए एम ए किया है डिपार्टमेंट से तो मतलब आप आप कब अपने घर से अलग हुए थे और आपका ग्रेजुएशन कहाँ बारहवीं तक की पढ़ाई कहाँ हुई इधर उधर हम गाड़ी घोड़ा में ट्रेन में मांग के दस पाँच रुपया का किन्नर थे घर में किन्नर थे तक घर का लोग कोई एक्सेप्ट नहीं करता था हमको घर में लोग परेशान करता था किन्नर है जाओ रिक्शा ठेला कमाओ जाओ दिल्ली बबे कमाने के लिए तो हम अपना गाड़ी में मांगते हैं दो रुपया चार रुपया मांग के हम पढ़ाई के लिखाई के मेरा नौकरी चाकरी कोई जॉब नहीं हुआ अंतिम में मैं एक किन्नर था दरभंगा में पायल किन्नर में उसका चेला बनी उसका चेला बनने के बाद फिर किन्नर है वो दरभंगा में कहा से दिल्ली से आ गया वो मेरा खाना खराब तो कर दिया आप जब तक पायल किन्नर से मिली उसके पहले आपका क्या उम्र रहा था कुछ याद है या कौन सा क्लास में पंद्रह सोलह साल के थे इंटर में थे इंटर में में थे इंटर्में थे आ, मेरी तो मेरी गुरु बोली तब, बोली तब तक, तक आप घर रहते जब नहीं हम मांगते चाहते टेम मांगते थे पैसा घर कब छोड़ दिया था घर मेरा दस बारह साल का हुआ था बोला किन्नर पता चल गया ना कि किन्नर था घर का लोग अंदाज करने लगा ना नी किन्नर रही कोई काम करने कोई लगा तो हमको सब दिक्कत देता था खाना कपड़ा तो हम अपना निकल गए ट्रेन में मांगने खाने लगे तो फिर भी आप स्कूल और इंटर कैसे हाँ क्या? तो हम स्टेशन पे पढ़ पढ़ के किताब घे पे पेपर लाते थे और समस्तीपुर स्टेशन में पढ़ाई अपने से पढ़ते थे बट्टी पर 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 के बी ए पास किए तो बीए पास किए कहीं मेरा कहींब हो जाएगा तो अपना इज्जत की रोटी का मांगे खा गए नहीं हुआ मेरा कुछ नहीं हुआ तब आरक्षण फिर लोग लोग के के साथ आ गए इस इसलिए आपने साइकोलॉजी में जैसे एम ए करा तो आपको कुछ कुछ याद है या आपको क्या अच्छा लगता था क्यों साइकोलॉजी चुना था आपने पढ़ने के लिए साइकोलॉजी में मेरा इसलिए चुना था कि साइकोलॉजी पढ़ने में मन लगता था उसमें ब्रेन के बारे में अपने लाइफ के बारे में किस तरह कौन समय में कौन ह्यूमन ब्रेन के बारे में होगा कौन इंटेलिजेंट कौन विचार होगा किसके मन के बारे में तुरंत सोच लेंगे कि ठंडा दिमाग से है कि गर्माल है उसके साथ उसी तरह बात करेंगे गर्म दिमाग का हाथ ऐसे अभी नहीं बात करना है साइकोलॉजी हाँ। में इस पढ़ाई के बारे में दिया जाता है और ये मुझे बता रही थी ऐसे कि आपको अंग्रेजी भी आती है हाँ तो साइकोलॉजी हम पी जी आएगा तो आपने अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई करी थी हिंदी, हाँ, अंग्रेजी अंग्रेजी हिंदी, हिंदी में सब इतिहास सब था पढ़ने में तेज थे मेरा आठ सौ अस्सी नंबर है इंटर में अभी भी आती, आती में, पीजी में इंटर में सेकंड डिवीजन है बीए में भी सेकंड है पीजी में भी सेकंड है मेरा नहीं हुआ कुछ तब फिर लोग के साथ समस्तीपुर में काम आते खाते किस तरह जी रहे क्या करे सरकार ने कुछ सुविधा दे रहा है न कुछ दे रहा है वोट लेने के लिए लिखा चुनाव यात्रा ललन टॉप आ किन्नर के लिए, लिए सरकार नौकरी दे जॉब दे हम लोग तो कमाए इज्जत के जिंदगी समाज में नहीं जीने देता है किन्नर लोग को बहुत परेशान करता है हम नहीं ललन टॉप चुनाव यात्रा चुनाव यात्रा में आप लोग पता करना चाहते हैं किन्नर के प्रति मेरा किसको वोट देगा किसको नहीं देगा क्या करेंगा, नहीं करेंगा। है करेगा नहीं करेगा का ना जो मेरा अच्छा नेता हो उसको वोट देगा जो किन्नर का सपोर्ट करेगा सहयोग करेगा किन्नर को ले आगे चलेगा हम सपोर्ट करेंगे जैसे जो मेरी गुरु है बनिए ये सपना किन्नर आइए हमको ले कर जी हमको ये जिला रही है दस रुपया दे के कपड़ा दे के खाना दे के तो उसी तरह मेरा कोई अच्छा no. नेता बने मेरा कोई अच्छा मंत्री बने जो किन्नर समाज को ले आगे बढ़े मेरे दुख के मेरे दर्द को मेरे तकलीफ को मेरा समस्या को मेरा प्रॉब्लम को दूर करे तब उसको उसके साथ हम नेता मंत्री के साथ सपोर्ट देंगे उन्हीं का हम चुनाव देंगे वोट देंगे अभी हम लोग कन्फ्यूज है किसको दे नहीं दे क्या करेगा नहीं करेगा ब्रेन काम नहीं कर रहा है और आप लोग हर बार चुनाव में वोट देते हैं विधानसभा दिए थे कमल छापे बीजेपी को हम साले साले वोट देते हैं इस बार भी सोचा हम उन्ही को वोट देंगे ठीक है लेकिन कन्फ्यूज में है कोई कुछ हम लोग के बारे में करता नहीं है देखे भी कोई फायदा नहीं है देंगे तब अभी धूप में जाएंगे मांगने के लिए हाई हाई करेंगे दो दो लाओ लाओ नशा बिहार में उतना का इज्जत नहीं करता है कहाँ है कुछ नहीं कोई छात्र में आप सुने किन्नर आवास कहाँ पर सुने जब सरकार बना कोई सी का सरकार हो मोदी जी का हो या राहुल गांधी का हो या जो भी हो मैं सबको अभिनंदन करते सबको प्रणाम करते हैं कहीं भी सुने किन्नर आवास कहाँ सुने हम लोग का ना बिहार में किन्नर आवास है ना किन्नर का ऑफिस है ना कहीं कुछ है जहाँ भी है तहाँ ग्रक कर दिया नेता गरक करे या जिस जो उसका कैंडिडेट है जो गरक करे पार कोई लाभ नहीं है बिहार में हम समस्तीपुर यहाँ तक समस्तीपुर जानते जो अभी तक कोई लाभ हम लोग का नहीं मिला है हम लोग का किन्नर आवास बनना चाहिए हम लोग का किन्नर का क्या करता कहीं भी बाथरूम उथरूम का होता शौचालय मिलना चाहिए आँ Uh, क्या आप नाम आप है आप कुछ दे 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 दे। राशन उशन मिलना चाहिए बहुत ऐसा चीज है क्या बोले मैम लेकिन हम लोग को सारा चीज मिलना चाहिए आपके पास ऐसे वोटर आई कार्ड आधार कार्ड और सारा आप लोग के पास आइडेंटिटी कार्ड है है, सब कुछ हमारे बता रहे हैं मीडिया में देखा जाए हम लोग आधार कार्ड आधार कार्ड चुनाव वोट लेने के लिए सरकार कर रहे हैं हम लोग को सुविधा कहाँ कुछ के दे रहे वोटर आई कार्ड बना सब चीज है सुविधा हम लोग को कहाँ मिल रहा है कोई चीज का कहा आरक्षण मिला ना हम लोग को पेंशन मिलता, मिलता, लो लो मिलता है न पैसा मिलता है न राशन मिलता है ना हम लोग को रहने के लिए घर मिलता है सब आधार कार्ड पैन कार्ड सब है हम लोग का मीडिया में देखा जाए सब कुछ है क्या नहीं है हम लोग का हम लोग कोई गलत नहीं है सब कुछ है देखिए ये कोरोना वाला हाँ ये कोरोना में बोला था जिस समय मोदी जी बोला जो सुइया लेगा उसको गाड़ी में चढ़ने देगा और टिकट मिलेगा तो नहीं मिला उस समय हम लोग दो दो सुइया लेकर करवाए थे ये मेरा देखो आधार कार्ड है ये मेरा पहले सबसे सब पहले पहचान जो होता था पुराने जमाने में वो है हमारे गुरु जी करवा के गए है हैं। सब तो इस कुछ इसमें मिनट कार्ड दिखाइए इसमें आपके जैसे घर वालों का नाम लिखा होना होता नहीं, है नहीं हम लोग का घर वाले का नाम नहीं लिखाता है तो हमारे जो गुरु जो रखता है ना वही हमारा माई है वही मेरा बाप है इसमें मुन्ना लिखा हुआ है गुरु पिता मुन्ना किन्नर हम लोग कितनो हम लोग इंसान के पेट में से पैदा हुए लेकिन हम लोग गुरु जो होता है ना उसी का माना जाता है बाप उसी का माना जाता है माए हम लोग उसी का आधार से जीते हैं उसी का आधार से मरेंगे ठीक ना इसमें गुरु पिता मुन्ना के नर लिखा हुआ है देख सकते हैं पहचान पत्र में आधार कार्ड में सब आपका आइडेंटिटी ऐसे नहीं मैंने देख लिया मैं हाँ हम लोग वोट भी देते हैं मुखिया को हो विधायक को हो हर चीज़ का हो लेकिन हम लोग का कोई लाभ नहीं मिलता जो बात है सो अभी हम लोग किन्नर किन्नर आवास हम लोग को मिलना चाहिए बाथरूम किन्नर लोग को मिलना खोज खोज कर उनको देना चाहिए जो भी हो वार्ड कमिश्नर हो या विधायक हो या चेयरमैन हो उन लोग को खोज के देना चाहिए तो ये जैसे इधर आप लोग का ये जो डेरा बना हो चाहे जैसे मुझे कच्चा मकान दिख रहा है वो कच्चा मकान है ये वाला पक्का है तो ये आपका अपना बनाया मकान है ये देखो ये तो है सरकारी है या चाहे जैसे समझो जिसका पास कागज हो नदी का किनारा है हम लोग अपना दिक्कत हुआ था हम लोग जूझी जुगी झोपड़ी में से बना के अपना रह रहे अब कल का को कोई किसी का कागज निकल जाएगा टूट टूट जाएगा तो फिर हम लोग फिर कहीं देखेंगे तो फिलहाल हम लोग कच्चा मकान बना कर रह रहे यहाँ भी है एक तो मेरा गुरु जी का है चार धुर में है उसमें घुटन तो सा सब झुग्गी सा ही है ये हाँ, तो सामने देखो ये तो एक जुगी है हुआ एक जुगी है हुआ एक जुगीए हुआ, जुगी हुआ तीन जुगिया है, है हम लोग का यहाँ पर यहाँ पर बीस पच्चीस लोग रह रहे हैं और चारधुर का मकान है वो अंदर बाजार में तो उसमें घुटन सा जैसे हो रहा है तो हम लोग कुछ लोग वहाँ भी रहते हैं कुछ लोग यहाँ भी रहते हैं हम ना तो ऐसे ऐसे हम लोग कैसे टाइम पास अपना कर रहे हैं तो जैसे आप बता रहे हैं यहाँ पर पच्चीस लोग रहते हैं फिर कैसे ये चलता है आप लोग खाना पीना कौन बनाता है और अभी मान लो शादी का सीजन है तब तो पैसा आ रहा है बाकी समय तो पैसा जब नहीं आता होगा बधाई नहीं मिलता होगा तब नहीं तो, तो वही पैसा हम लोग राशि जमा करते हैं तो ऐसा थोड़ी ना है अब जैसे राशन किन के लोग किसान जो रहता है अपना खाने के लिए रख लेता है उसके बाद उससे फालतू होता है तो बेच लेता है तो उसी तरह का हम लोग मांग के लाते हैं तो हम लोग जमा करके कर रखते हैं और खाने भर खाते हैं नहीं रहता है, तो वही अपना बचा के अपना चलते हैं हर इंसान अपना तो दस रुपया बचा के चलता है ना तो उसी तरह का हम लोग रखते हैं बचा के पेट उट, उट, उट काट के तो वही अपना सीजन में कोई सीजन होता होगा कि शादी लगन का सीजन है तब थोड़ा ठीक कमाई हो जाता है और बाकी समय पर हाँ आँगन कभी कभी हो जाता है अच्छा खासा कमा खाने कभी कभी अपना ओ, होते तो रहता कुछ ना कुछ जजमान ऐसा है जो हम लोग को भूखा नहीं रखता जजमान हमारे लिए बार बार कहेंगे जजमान हमारे लिए भगवान है जजमान हमारे लिए बेटा है जजमान हमारे लिए माँ है जजमान हमारे लिए हर कुछ है तो हम उसी का हम गुण गाएंगे वही आपके लिए सरकार हाँ, के वही, जैसा है जो वही, सब कुछ वही, हमारे लिए माए बाप है, मेरा है वही वही मेरा सरकार है वही मेरा मोदी सरकार है वही मेरा लालू यादव वही मेरा प्रधानमंत्री वही मेरा क्या करता है सब मेरा वही है सरकार तरफ सब लोग को कुछ नहीं मिलता है वोट लेने के वक्त में आता है किन्नर लोग क्या है कैसे उसका हिस्ट्री पूछने के लिए देने के बारे में जब जी जाएगा तो कुछ नहीं पूछेगा ना कुछ देगा बोलूँ अब मैं आपके गुरु भाई से भी बात कर लेती हूँ आपका क्या पैर नहीं है नहीं, नहीं हमारे मम पैर नहीं है दोनों तो, तो ये देखिए तो मेरा पैर नहीं है दोनों दोनों ही पैर दोनों पैरों से आप विकलांगे हाँ। क्या नाम है आपका मेरा पूनम किन्नर नाम है पूनम तो कब से बचपन से ही नहीं है आपका पेर? नहीं नहीं, नहीं हमारे हमारे गुरु भाई का मजबूरी था जो गया जैसे कि जो मांगने के लिए गया ट्रेन में तो कुछ दिन पहले जिस समय न कम उम्र करते तो गिर गए थे गाड़ी में से पेट कर मैं तो एक बार करते, की बार कर है। पेट ऐसा चीज़ है जो हर क्रम करा सकता है तो गया था मांगने के गया। अपना कैसे हम लोग लेके चलते हैं इनको तो ये आ, उस वक्त क्या उम्र रही होगी आपकी जब आप ट्रेन से गिरे थे याद है कुछ हाँ ये उस समय तो ट्रेन से कहाँ पर गिरे थे यही अपना समस्तीपुर में समस्तीपुर में फिर कौन अस्पताल लेकर गया वो वो पब्लिक लेकर के, के, के गया हमारे किन्नर लोग गया हमारे पब्लिक लोग लेकर गया, लो, ले तो तो गया। किन्नर भी था साथ में लोग तो लेके गया पब्लिक भी एक दो लेके गया फिर आपका ये नकली पैर लगा हाँ नकली पैर लगा है वो डॉक्टर थे आर मिश्रा मिश्रा बहुत अच्छे थे सरकारी हॉस्पिटल था नहीं नहीं प्राइवेट था बेचारे लेकिन पैसा उतना नहीं लिया किन्नर देख के किन्नर लोग देख के वहाँ के जो अभी मर गए हैं क्या नाम है अखिलेश राय उनके साला थे बोला नहीं किन्नर लोग के हेल्प करो तो बोला नहीं इसको पटना रेफर करो तो फिर उन्होंने बोला वो अखिलेश राय का साला थे उनको मैंने बहुत नामी ग्रामी आदमी थे उनको मार दिया लेकिन बहुत अच्छे थे है हाँ ना तो वो हम उनके साला बोले कि नहीं इसको भर्ती लो तो बोले नहीं पटना ले जाइए केस हम नहीं लेंगे तो फिर वो आर पी मिश्रा मर गए कोरोना काल में वही बेचारा उन्हीं का दान दिया हुआ है और वो राशि भी कम लिए जहाँ पर लेने का दो लाख चाहे डेढ़ लाख वो बोले नहीं हम तुम लोग से नहीं लेंगे जो दवाई का दाम होगा याद तो हाँ। है कुछ की हाँ। उस समय क्या जानेगा हम थे वहाँ पर आप नहीं, दिया उस लग, नहीं हम चंदा करा वहाँ पर सब दिया लोग कोई दो हजार कोई पांच हजार कोई पचास पाँच जैसे सब जैसे जैसे हुआ सब दिया तो इनका लगा उस समय में एक लाख रुपया जुटका है बोलेंगे हाँ लेकिन उन ज्यादा नहीं ली डॉक्टर साहब दवाई का तो लगना ही लगना है एक महीना तक इसको मैंने दवाई उवाई हुआ फिर आके हम लोग अपना मांग खा के इनको हम लोग दवाई दारू करवाए सभी उनका नाम क्या है ये पारो 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 आप लोगों में सबसे छोटी है, हाँ, 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 मेरा हाँ? हाँ, चेला है। हाँ, आपके पोती चेला बड़ी दादी है ये मेरा छोटी मझिली नानी है और मेरा माँ है ये आपकी माँ है, आप हाँ। हैं। इनको माँ मानती हैं। हाँ। मेरा माम्नी माम्नी है माँ लो रिस्ता रिस्ता बनाते हैं। हैं। हम अच्छा। लोग आप, आप में ना रिश्ता बनाते हाँ। हैं माँ बेटी नानी दादी सब हाँ। क्योंकि हमने सुना है ऐसे किन्नर समुदाय में तो शादी होती नहीं है नहीं नहीं आप लोगों में ऑपरेशन भी नहीं कराते जैसे ट्रांसजेंडर होते है ना नहीं नहीं अच्छा तो ये होता है हम लोगों का शादी होगी देवता से तो उसी पे हम लोग सिंदूर करेंगे अरावन देवता महाभारत में एक कहानी है हाँ। कि जब ब्राह्मणों की गाय लेकर हाँ। एक था, क्या बोलता है कोई शेष नाग के नगरी में हाँ। वो पानी पताल लोक में जल लोक में हाँ। वो एक राक्षस था हाँ। वो लेकर चला, हाँ। तो हाँ चला गया तो वहाँ चला गया तो वहाँ के जो नागराज था वो उसकी बेटी से वो अर्जुन गए उनको बचाने के लिए उस गाय को कि मेरा गाय हिंदू धर्म में गाय सबसे गाय माता होती है तो माँ को बचाने के लिए कोई भी इंसान ये रहता है कि, कि किसी के माँ को अगर कोई मारने के लिए आएगा तो वो मर जाएगा अपने अपनी माँ को नहीं मारने देगा तो सब गाय को लेकर राक्षस कोई शैतान था वो लेकर चला गया समुद्र में जब समुद्र में वो गाय को छोड़ाने के लिए गया तो उस समुद्र की जो बेटी थी उसका वो तो वो शेष कन्या थी उस कन्या से उनका शादी हुआ और वो गाय छोड़वा के और तीन महीना वहीं पर अर्जुन जी रहे तो उन्हीं के संयोग से उनका बात एक लड़का हुआ अरावण देवता जिसे अरावण कहते हैं तो जब महाभारत जब युद्ध हुआ तो सर जैसे भीम का बेटा आया घटो के तो इनको भी बुलाया गया कि सब लोग अपना अपने युद्ध में योगदान दे रहा है तो आप भी चलिए तो उनका वो लड़का बोला वो जो थे अरावण देवता वो बोले कि देख देखिए हम जाएंगे बक मेरी इच्छा है कि मैं शादी करके तब मरूँ जब भगवान जानते थे विष्णु का अवतार थे श्री कृष्ण जी वो जानते थे वो जानते थे कि इसका मृत्यु निश्चित है तो वो बोला कि हम मरेंगे बट मुझे ये क्या बोलता है शादी करना है उस कुमार में हम नहीं मरना चाहते हैं तब जाके राजा में पहले के ढोला पिटा जाता जा था मतलब ऐलान किया जाता था कोई भी है जो भी राजा है वो अपनी बेटी का शादी इनसे करा दो तो कोई चाहेगा कि मेरी बेटी विधवा हो कोई नहीं चाहता है तो सारा राजा लोग क्या बोले कि हम नहीं करवाएंगे हम नहीं करवाएंगे तो उसका तो बेचारा का इच्छा तो अधूरा रह जाता तो श्री कृष्ण जी बोले कि ठीक है मैं ही अपना मोहनी रूप धारण करके बोले कि मैं ही इनसे शादी कर लूँगी उसी रात में शादी किए श्री कृष्ण जी मोहनी रूप बन के देवता से और सुबह होकर वो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए जब वो मारे तो गए तो विधवा हो गई इसी परंपरा को हम लोग निभा रहे हैं उसी परंपरा में हम लोग शादी करते हैं अभी साउथ में केरल में एक मंदिर है अरावन देवता का वहीं पे जाकर हम लोग पूजा पाठ करते हैं वहाँ पे हर साल मेला लगते हैं वहीं पे शादी होता है ये मान्यता है हाँ जी अच्छा तो जैसे पूजा आपको माँ बोलती है तो आप, आप उनके लिए ऐसे कौन सी चीजें करती है या क्या क्या ऐसे माँ वाला धर्म निभाती है माँ माँ इसलिए बनती है कि ये बचपन से हम लोग रखे हुए हैं उसको हाँ. उसकी माँ मर गई थी हाँ. उसकी कहानी भी ये है कि उसकी माँ जब मर गई तो उसका भाई बाप सब लोग को मिलकर उसको भा, माँ भी मर गया माँ भी मर गई हाँ. उसका भाई लोग क्या किया कि ये रहेगा ए, एक पहले तो ये किन्नर है उसके बाद अगर रहेगा तो हम लोग का मतलब बंटवारा करेगा हमारा जमीन मांगेगा ये करेगा वो करेगा इसलिए उसको मारकर टॉर्चर किया इतना टॉर्चर इसको किया कि अब तो कुछ अच्छा से बोलती भी हैं हकलाती थी डर लगता था इसको हाँ एकदम देखिएगा अभी भी, भी इसका माइंड ये है बोलिए आपको बोलिएगा कुछ ये कहेगी इस कुछ इतना हाँ तो इसको इतना अच्छा। हाँ देखिए बैठ बेटा बैठ बेट बेट। तो इसको तो हम लोग जब पता चला

फिर आपने अपने मन हाँ, मन से बताया हाँ, अपना, दिल से, बता। अपना से दिल, दिल से टॉर्चर किया इतना किया मैं अपना पूरा दिल से। देखो ये ये, ये, दिया हाँ। ये सब सब? दिया हाथ में कौन भाई लोग किए थे तो अभी आपकी सबसे अच्छी सहेली कौन है यहाँ पर पूजा पूजा कहाँ है पूजा अंदर पूजा अच्छा और और ये आपकी माँ है सबसे ज्यादा डर किससे लगता है आपको इधर गुरु से हाँ गुरु माँ से कौन सी सपना गुरु मासन दोनों से क्योंकि दोनों बड़े हैं है हाँ। हा? तो यहाँ जैसे आप क्या क्या काम करती हैं बधाई में जाते है खाना बनाते हैं बधाई पर है, सबको सेवा पानी करते हैं अच्छा हाँ। ऐसा कौन सा काम है जो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है सब काम अच्छा लगता है अच्छा लगता है कौन सा काम है जो बहुत बुरा लगता है कोई काम नहीं बुरा अच्छा लगता है कोई काम नहीं बुरा लगता नहीं आपको कुछ कुछ तो ऐसी चीज होगी बुरा क्या अपना अपना काम में कोई बुरा नहीं है, कुछ बुरा, नहीं है नहीं, बुरा नहीं लगता है बुरा ये लगता है कि लोग अगर उल्टा कोई बोल दे तो वो बुरा लगता है कोई कमेंट करे तो बुरा लगता है तो लोग अभी किसे... भी कमेंट करते हैं हाँ तो करेगा नहीं नीचे आप नजर का ऑपरेशन करवा सकते हो नजर ये करवा सकते हो आपका अंदर में जो हीन भावना रहेगा जो अपने माँ बाप से जो सीखोगे वही ना दूसरे को भी दोगे तो कैसे कॉमेंट करते हैं लोग का भाओ क्या हो माल ये सब बोलती है मतलब गलत गलत भाभी भा भा जा रही है देखो भाभी जा रही है <laughs> देखो कह माल जा रहा है रे चल देंगे पाँच सौ देंगे दो सौ देंगे बहुत मारे क्या बताए माल जा रहा है पटाखा जा रहा क्या रे है जा रहा है ये जा रहा है वो जा रहा है देखो रात भर धंधा करके आया ये करके आया अब कहने का कुछ से कुछ कॉमेंट यही होता है और क्या होगा और ये बातें कौन पुरुष कहते हैं महिलाएं कहती है ये महिला कैसे कहेगा महिला आप साड़ी पहन लोगे तो महिला साड़ी का सम्मान करेगा महिला ही समझेगा वो वो महिला को महिला एक महिला महिला को गलत नहीं कह पुरुष करता है मर्द जो लोग रहता है चला वही लोग अच्छे लोग नहीं करते हैं मतलब खराब जो पियकर सियक्कर हुआ आ, जो जिसका माँ बाप को संस्कार नहीं दिया जो अपने सब करते। सही लोग ने ने अब आप लोग मुझे आपने दिखाया हाँ आप लोग देखिए अभी तक तो आप लोग कह रहे हैं कि किसी नेता ने कोई काम नहीं किया कुछ नहीं किया लेकिन अगर कोई नेता काम करे तो क्या काम करना चाहिए आप लोगों के लिए जिससे आपके जीवन में कुछ बेहतरी हो क्या ऐसी इच्छा है आपकी जो आप चाहते हैं कि सरकार ये बस कर दे हमारे लिए हमारे लिए तीन चीज करें रोटी कपड़ा और मकान रोटी का व्यवस्था हाँ। कोई अच्छा सा रोजगार करवा दे और हम लोगों का जो चलन है जो हम लोग मांग रहे हैं इस पे हम परंपरा बना रहे हैं हम लोग जो पढ़े लिखे हैं वो रोजगार अपना स्वच्छा से जो जाता है तो उसकी हम कोई दिक्कत नहीं है जो नहीं पढ़ा लिखा है अब ये बुजुर्ग लोग हैं वो हैं मैं हूँ मेरी तो आधी उम्र बीत गई अब अब मैं क्या कहाँ जाऊँगी तो हम लोगों के लिए परंपरा कायम रखें हम लोग जो मांगते हैं वो खाते हैं और जो पढ़ना चाहते हैं हाँ है उसको, उसको पढ़ाए हम लोग भी सहायता करेंगे कि पढ़े लिखे आगे बढ़े हमारा भी नाम हो जैसे और, वो पढ़ी थी हाँ, लेकिन उनको नौकरी हाँ, नहीं मिला नहीं मिला क्या उस समय वो नहीं था ये 2019-2014 से ये हमारा बिल पास हुआ कि ट्रांसजेंडर लोग भी इंसान हैं इनका भी अधिकार है होता है और दो परसेंट या पाँच परसेंट जो भी आरक्षण मिला है जो बात है हुँ। हाँ। हुँ। करने का मतलब देखो अब ये एजेट हो गया ये नौकरी करेगा नहीं, नहीं करेगा अब हम पढ़े, हम पढ़े नहीं है हम क्या कर सकते हैं कुछ नहीं तो हमारा जो का, जो बधाई का काम है वही ना करेंगे हमारे अब जवान हैं जो पढ़ी लिखी है वो नौकरी कर सकते हैं वो अच्छा। नौकरी कर सकते हैं जवान है वो नौकरी कर सकती है पढ़े वो कर सकते फोन उठा लो हमें आँगी। आँगी। आप बताओ आप, आप क्या चाहती हो सरकार से कोई कोई एक इच्छा है आपकी जो आप चाहती हो जो पूरी हो जाए जैसे पूजा के लिए कुछ अच्छा हो आपने मन से सोच के बताओ को, कुछ चाहिए आपको हम लोग के बधाई अच्छा रहे हम, हम लोग जो मांगते हैं तो बाप दादा को है वो सब करना कोई सपना है पूजा आपका कुछ बनना चाहती थी कुछ करना चाहती थी लिखे अपना टॉर्चर किया गया इसका, तो गया इसका देखते नहीं बोलने का ये है उसका इतना इसको टॉर्चर किया गया कि कुछ समझ में नहीं पाती है नहीं, नहीं, नहीं बोली कि इससे तो कुछ, नहीं कुछ, कुछ भी मेरे में विकलांग भी है मेरे में बूढ़ा इंसान है मेरे में अनपढ़ भी है तो अनपढ़ का नौकरी दे नहीं सकते सरकार विकलांग का नौकरी दे नहीं सकती है सरकार एजेंट का खाना मैंने दे नहीं सकता तो इसीलिए हमारे एजेंट भी है विकलांग भी है और अनपढ़ भी है तो इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करते हैं सरकार से विनती करते हैं जो भी सरकार हो हमारा जो गद्दी बना हुआ है मांगने खाने का वो मेरा बरकरार रहे मेरा कुछ नहीं चाहिए सरकार से यही चाहिए जितने विश्व में, में मेरा किन्नर समाज है उनको क्या कटा मांगने खाने का जो परंपरा जो राम भगवान बनाए थे गीता रामायण में लिखा हुआ है गरन, ग्रंथ में लिखा हुआ है सभी बाइबल कुरान में सब में लिखा हुआ उल्टा के देखा जाए तो हम लोग उन्हें जो सतयुग का जो लिखा हुआ हम लोग वही करेंगे अच्छा ये बताइए जैसे हम सुनते हैं कि कई बार आपके साथ गलत व्यवहार होता है तो क्या पुलिस वाले लोग आपका साथ देते हैं कानून आपका साथ देता है पुलिस वाला क्या साथ देगा दीदी सो बात तो वही पैसा कौड़ी का दुनिया है पैसे का बुलवाला है पैसे कोई कोई सच्चा इंसान रहता है दरोगा दरोगा बाबू चाहे इंस्पेक्टर साहब कोई कोई सच्चा रहता है सच्चा का मदद करता है कोई कोई तो एकदम घुसखोर रहता है तो क्या मदद करेगा उसको दे दे सरकार दीजिए तब फिर हाँ हाँ आना कल कल ये करेंगे वो करेंगे फिर कुछ नहीं बस यही बात है अच्छा अभी जैसे समस्तीपुर में चुनाव है तेरह तारीख को वोट गिरेगा ना यहाँ पर वोट डलेगा तेरह में हाँ तो क्या कोई वोट मांगने के लिए आया यहाँ से आप लोग को पता है इधर से कौन चुनाव लड़ रहा है अभी हमारे यहाँ से कोई नहीं आया है कोई तो ये ये जानकारी है कौन कौन लोग यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं कौन कौन सी पार्टी वाले हैं हम लोग मालूम सिर्फ एक याद है क्या गाड़ी जाती है तो देखती हूँ उसमें बोर्ड लगा रहता है और एक, एक क्या है नित्यानंद झा है नित्यानंद राय है वो उजियारपुर से उजियारपुर प्रखंड का है आ, तो उनका दर... बोर्ड देखती हूँ आते जाते मैं उधर रहती हूँ ना विभूतिपुर थाना तो हाँ। उधर उधर देखी थी और यहाँ पे एक सम्भवी मेरे चौधरी चौधरी जी है उन लोगों का देखती हूँ अभी तक तो हमारे हम उससे तो कोई पूछने तक भी नहीं आया है की तो 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 हाँ। करता कोई नेता अभी जो सम्भवी जी हुए चाहे जो भी हुए कोई है हम लोग जितना भी है हमारे तो आज से कोई किन्नर नहीं रह, रह रहा गुदरी बाजार में हमारे पूर्व तीन पीढ़ी देखो तो गुलशन तो किन्नर चंपा किन्नर मुन्ना किन्नर सपना होता हम लोग पाँच पीढ़ी हम लोग का हो गया कहाँ तक कोई नेता नहीं आता पूछने के लिए जहां तुम लोग का वोट है कि क्या है नहीं है फल्ला में गिराना डेकान में गिराना और ये सब चीज क्या नाम है वार्ड मेंबर मतलब आके किया ये एक क्या नाम है तो वार्ड में पर्ची देकर जाता है हम लोग गिरा देते हैं जिसको मन करता है लेकिन हम लोग का यहाँ से कांग्रेस की टिकट पर सनी हजारिया लड़ रहा है जिस आप श्याम्भवी चौधरी का नाम ले रही है वो लोजपा से लड़ रही है ना लोक जनशक्ति शक्ति पार्टी जी जी है वो आपको कुछ जानकारी है कि भाजपा लोजपा और नीतीश कुमार का जो पार्टी का है सब... नहीं पता है सिर्फ भाजपा को पता है सिर्फ भाजपा का हाँ। अच्छा कौन नेता आप लोग को नाम सुना है या आप लोग जानकारी रखते है बताए बिहार का मुख्यमंत्री कौन है अभी बिहार का मतलब फिलहाल तो नीतीश कुमार था अभी क्या नाम है वही है अभी भी वही है लेकिन हमको देखो जो करेगा वही हम लोग लो वगैरह को पहचानते हैं तो। जी हाँ। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो ये सब कैसे जानकारी मिला उ, सुनते हैं लोगों से प्रधानमंत्री वो हैं तो वो हैं कमल छाप खिल रहा है तो अब की बार चार सौ तो पार सब लोग नारा लगाते हैं तो सुनते हैं ये सब नारा आप लोग के पास आता है हाँ सुनते हैं बेटा यही सब बात है दीदी यही सब okay. बात है लेकिन वोट मांगने इधर पर अभी कोई भी नहीं, नहीं, नहीं आया वो है वो लोग सोचते हैं ना कि ये लोग खुद मांगता है तो ना मैं क्या मांगू हुँ? वो लोग सारे ये सोचते होंगे कि ये लोग तो खुद मांगता है तो मैं इन लोगों से क्या मांगू लेकिन आपके वोट, वोट की कीमत भी तो इतनी ही है तो उनको शायद नहीं लगता तो है नेता लोग समझते नहीं की उनको समझ नहीं आ कि एक वोट से क्या होता है हम लोग तो अभी समस्तीपुर पूरा समस्तीपुर जिला में अगर चुन चुन का किन्नर को देखा जाए तो दो अढ़ाई हजार किन्नर होगा समस्तीपुर विकलांग तो किन्नर है आ मकी जाते हैं सबके यहाँ की वो क्या बोलता है वो जो पैसा मिले है गे पेंशन पेंशन काम वो कहाँ मिलता है, है एकलांग पेंशन जो हाँ कहाँ देता है नेता लोग सात बरस मारो हो सात बरस मारो क्या बता रही है इस पे सात बरस का उम्र भी हो गया वृद्धा किनर है तो इसके अंदर को पेंशन मिलना चाहिए वो कुछ नहीं, नहीं मिलता इसको। है खा, इसका हम लोग तो पैर हाथ वाला तो दो रूपया कहीं से मांग खा कमा लेंगे वो जाएगी विकलांग किन्नर उसको दिखाइए हम लोग तो विकलांग है इसको सुविधा देना चाहिए सरकार तरफ से किन्नर को कहाँ जाएगी इसका न पैर है न हाथ है न टांग है विकलांग है इसका शरीर भी बीमार रहता है चीनी बीमारी है और छत्र बीमारी है कहाँ जाएगी मांगने के लिए इसको देना चाहिए विकलांग को हम लोग और आप लोग ना ना को अस्पताल में इलाज वगैरह मिलता है जैसे कभी बीमार पड़ो या कोई हम चोट वोट लगे करके करते हैं। हम प्राविट प्राविट है, है। पैसा देते है। हैं कटाते हैं, प्राइवेट से करते हैं, सरकारी से कोई पेंशन नहीं हम लोग को मिलता है

कोई सुविधा नहीं है, है जुठे के यहाँ पर बिहार में अस्पताल में हम लोग के लिए दुनिया के लिए हो लेकिन हम लोग के लिए कोई सुविधा नहीं है बस यही कहेंगे हमारे जजमान दाता वही है, है, है उनका है। मेरा मालिक करे हम उम्र लग जाए आ, मेरा जजमान बना रहे बात खत्म तो ये आपने इनके हिस्से का सच सुना इनके हिस्से की समस्याएं सुनी जब तक बात नहीं होगी जब तक चर्चा नहीं होगी जब तक इनकी सुनेंगे नहीं इनकी समस्याएं नहीं पता होगी तब तक इसके लिए काम नहीं होगा अगर आ... आप चाहते हैं कि इस देश में सभी वर्गों के लोगों का विकास हो सभी वर्गों के लोगों को वो सारी सुख सुविधाएं और वो योजनाएं पहुंचे जो इनके लिए बनाई गई है तो ज़रूरत है कि इनके साथ संवाद हो इनकी समस्याएं सुनी जाए जो नेता हैं जो जनप्रतिनिधि हैं वो इनको भी उतना ही इंसान समझे और कुछ नहीं इनकी बस इतनी ही मांग है कि जितना आप एक आम आदमी के लिए योजनाएँ करते हैं देते हैं उतना ही बस इन्हें चाहिए आपने तमाम सामाजिक मुद्दों पर पारिवारिक मुद्दों पर इनका पक्ष जाना इनके हिस्से का सच सुना कि समाज इनके साथ कैसा व्यवहार करता है पुलिस प्रशासन सरकार कैसा व्यवहार करती है आपने वो सब जानकारी इन्हीं की ज़ुबानी सुनी क्या राय रखते हैं आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा जारी है हम कोशिश करेंगे कि हर वर्ग हर तबके तक पहुँचे और जो भी ज़मीनी हकीकत है वो आप तक उसी तरह पेश करें जो सच्चाई है कैमरे के पीछे मेरे साथी अमित थे मेरा नाम सोनल है बिहार के समस्तीपुर से आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा शुक्रिया